उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, सिर्फ मंदिर बनाया है, बाकी ये जो भी जो उमापति महादेव है ये तो आप शंभू है, इनका तो पता ही नहीं है कितने हज़ार साल पुराने हैं। ये मंदिर बना हुआ है एक गिद्ध के कारण, गिद्ध की वो जो गिद्ध थी वो इनकी सेवादार थी, दिन भर यहीं पर चारा वारा खाती थी, इसी कुंड का पानी पीती थी, यहीं पर रहती थी। उस राजा ने सोचा पानी कितना बड़ा जानवर है, वो यहाँ पर पानी पी रहा है, उसने उनका शिकार कर दिया, उनकी तो गदी होगी, इनके चरणों में मृत्यु होगी, मगर वो राजा बीमार हो गया। उसने अपनी सेना को बोला यहाँ से वापस चलो अयोध्या बोल के, वो वापस चला गया। उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, दो साल बाद इसी गिद्ध ने उनके घर में लड़की बन के जन्म लिया, वो बड़ा खुश हुआ कि लड़की थी, पर वो रोती बहुत थी, रोती इस वजह से क्योंकि उसको पहले जन्म का तीर लगा हुआ था, उसको सर दर्द होता था। उसने अपने पंडित जोशी वगैरह जो भी थे उस टाइम उन्होंने बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपको तो हत्या लगी हुई है। वो कहने लगा मैं राजा हूँ, मेरे को हत्या करने लगी है। तुमने गिदड़ी का शिकार किया है? क्या मैंने अपने जीवन में हज़ारों गिदड़ियाँ मारी हैं, और आया लोग तो डेली शिकार करते थे, मेरे को नहीं पता मैंने ये वाली गिद्ध काम आ दिया। उस टाइम उन्होंने निशानी की थी नीचे जो माता पार्वती के रूप में गुप्त गंगा है, और ये जो आप शंभू नहीं है, वो खुद नहीं आया, उसने अपनी सेना में थी। जैसे वो ढूंढते ढूंढते जहाँ पे पहुँचे उन्होंने देखा यहाँ पे पोंगी पड़ी हुई, उसको तीर लगा हुआ है। जैसे उन्होंने वो तीर निकाला वो लड़की ठीक हो गई, फिर वो सारे परिवार के साथ यहाँ पे आया, उस मंदिर का निर्माण करवाया कि अखंड ज्योत भी 2500 साल से चल रही है, और उसका जो हत्या बना के जैसे वो मोरा पीछे लगवाया हुआ है, कहते हैं कि जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे जहाँ की जो यात्रा है वो सफल नहीं होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। जय शंकर की बाबा जी। जय शंकर। आज आप परमंडल आए हैं? इसके बाद हाँ हम तो बीच बीच में परमंडल आते रहते हैं, बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है, जैसे हमारे पंडित जी ने बताया कि 2500 साल पुराना मंदिर है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं, और जितना भी मेला होता है बड़े धूमधाम से चलता है, और भगवान शंकर के जो उमापति मंदिर है भगवान शंकर का, इसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इतना मनोकामना पूरी होती है, जो सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जहाँ से मांगा जाएगा उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैंने स्पष्ट देखा है कि ये भगवान भोलेनाथ जी उनका स्थान है, लेकिन ये शेषनाग रूपी जो इनकी जो रस्सी चढ़ती है ये मैंने जहाँ जहाँ देखा है, जहाँ त्र्यंबकेश्वर में वहाँ भी दौन में भगवान भोलेनाथ का स्थान है, जहाँ परमंडल में भी ये भोलेनाथ का जो उमापति मंदिर महादेव मंदिर है ये परमंडल में है, परमंडल के लोग भी बहुत खुश हैं, और आज बहुत देर के बाद मैं आया हूँ जहाँ पर बहुत अच्छे जो डेवलपमेंट हुई है, आगे भोलेनाथ की कृपा से और बहुत अच्छी हो जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु जहाँ आए और अपने दर्शन करें भोलेनाथ जी के उमापति महादेव के, और अपनी मनोकामना पूरी करें और इनसे बल प्राप्त मांगें, हर मनोकामना जहाँ पर आकर पूरी होती है, श्रद्धा भाव से जो भी आएगा और मन की मुरादें।